प्लान क्या है आगे की प्रक्रिया को लेकर? सर देखिए, मेरा प्लान यही है कि अगर जनता ने मुझे चुना और मैं यहाँ से पार्षद बना, तो यहाँ कुछ विधवाएं हैं, उनकी पेंशन नहीं आती है, जी कुछ गरीब लड़कियां हैं, उनके लिए शादी के लिए कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि मिले, जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए सब यूनिटी संघर्ष करें, उनकी शादी ब्याह कराएं, और भी कई चीजें हैं। मतलब बाढ़ की सुंदरता के लिए काम नहीं हो रहा है, यहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं है, बाढ़ में पियाऊ नल नहीं है, बैंक जी है ही नहीं, आपको बता दिया, यहाँ पे डाकखाना है नहीं और चिकित्सालय की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। एक पार्षद की यही जिम्मेदारी होती है कि जनता के हर सुख दुख में साथ दे, जी और यहाँ तो बड़ी मारामारी है, मतलब बीमारियों की, गली में जगह जगह कीचड़ सड़ रहा है। मैं अपने खुद घर की बता रहा हूँ, जो कि मैं एक कंपनी चलाता हूँ, उसको देखते हुए मेरे घर की, यहाँ मैंने 50 बार पार्षदों से कही कि एक सीमेंट लगवा दो तसला, तो वो नहीं लगा पाए, तो और लोगों के लिए क्या लगाएंगे। सही जी। अजय जी, के आप पिताजी हो, आपको कितनी खुशी मिल रही है आपका बेटा पहली बार चुनाव में? बहुत खुशी मिल रही है, जो कि जो है समाज सेवी में लड़का खड़ा हुआ है, जी और उम्मीद है कि बाढ़ में काम कराएगा अगर ये जीता तो, जी और वैसे भी पब्लिक उसको चाह रही है, जी उसको देखते हुए ये इसने ये कदम उठाया है, इसलिए जो पार्षद के लिए इसने जो है अप्लाई किया है, तो उम्मीद है कि ये अगर पब्लिक चाहेगी इसको, इसको पब्लिक का प्रेम और प्यार मिला तो शायद जीत जाए, तो शायद करेगा काम, तो जरूर जी करवाएगा, क्योंकि इसके कहने का मतलब ये है कि हम बस्ती में जो गंदगी है, साफ सफाई का स्वच्छता अभियान जो चलाएगा, करवाएगा काम। और ठीक सर, आप अजहर बेग जी के दोस्त हैं, आपको क्या उम्मीद को लेकर, आप क्या प्लान है आपका, क्या उम्मीद है? एक अच्छे व्यवसायी हैं, ठीक है, और इस समय परिवर्तन का समय है, जी जनता को इनका चुनाव करना चाहिए, और एक ईमानदार नेता, युवा नेता हैं, और इनको जीतना चाहिए। आप बाढ़ वासी हो, आपको क्या उम्मीद है कि अजहर बेग जी इस बार निकल जाएंगे? मुझे लगता है कि 100% निकल जाएंगे, जी और मैं लगता है कि ये काम अच्छा कराएंगे और